हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल गर्ल। आज इस शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो में मैं आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मोल कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस में मोल का इस्तेमाल होता है। हम केमिकल रिएक्शन को शो कर रहे हैं तो वहां पर भी हम मोल की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। हम ऐसे बताते हैं कि एक मोल एलिमेंट ए और कंपाउंड ए का रिएक्ट कर रहा है दो मोल कंपाउंड बी से, एंड वो प्रोडक्ट में हमें दे रहा है तीन मोल कंपाउंड सी के। ये हम एक केमिकल रिएक्शन को शो कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मोल की बात कर रहे हैं। आप इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ोगे, वहां पे मोल की बात होती है। तो मोल जो टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मोल क्या है। देखो, हमें इसकी हिस्ट्री से मतलब नहीं है, ना ही हमें इसकी थ्योरी से मतलब, यानी कि इसकी डेफिनेशन से। हमें मेन ये जानना है कि मोल क्या होता है, मोल के फॉर्मूले क्या होते हैं, उसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो मोल की अगर मैं बात करूँ कि मोल है क्या, तो बच्चों आपको बोलना है मोल क्या है। ये एक काउंटिंग यूनिट है। क्या है ये? काउंटिंग यूनिट और मेजरिंग यूनिट। क्या है? मेजरिंग यूनिट। क्लियर है? मोल एक काउंटिंग और मेजरिंग यूनिट है। अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं मोल की, कि मोल की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो एक मोल जो बराबर होगा वो 6.022 × 10⁻²³ यूनिट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 6.022 × 10⁻²³ यूनिट के। कई जगह 2 की जगह 2 भी लिखा होता है, वो राउंड ऑफ कर देते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि ये जो नंबर है, ये जो मैंने लिखा है, ये नंबर क्या होता है? इसे हम बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, और इसे हम एन ए से दिखाते हैं। ठीक है, अवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, एन ए से दिखाते हैं। तो कई जगह जरूरी नहीं है कि ये नंबर लिखा हो, एन ए भी लिखा हो सकता है। ऑप्शंस में आपको एन ए भी दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता है कि अब कौन सा नंबर है ये। क्लियर है? मोल की काउंटिंग यूनिट है, एंड मोल क्या है, जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, वो मैंने आपको बता दी। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है किसी चीज को मोल के टर्म में, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जरा मैं इसको मिटा दूं। अगर आपने नोट नहीं किया है तो बैक करके लिख लेना। ठीक है, तो देखो आप सभी को पता है जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो बने होते हैं एटम से। ठीक है, एक टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं एलिमेंट। वहीं अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल भी किससे मिलकर बना होता है? वो एटम से मिलकर बना होता है ना। ठीक है, इसमें कम होंगे एटम, इसमें ज्यादा होंगे, और क्या होगा? ठीक है, वहीं अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है? वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। आप बोलोगे सर मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं। ठीक है, तो उसका रीजन है, आपको अगर मोल लिखना है ना, तो ये यूज करना होगा। ये क्या है? ये एलिमेंट की यूनिट क्या है? एटम है। मॉलिक्यूल की यूनिट क्या है? एटम है। कंपाउंड की यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है। तो किसकी यूनिट क्या है वो आपको पता होना चाहिए ना। अगर आपको ये नहीं पता होगा किसकी यूनिट क्या है, तो आप कैसे कर पाओगे? ठीक है, क्लियर। अब देखो, मैं अगर कहता हूं वन मोल ऑफ एलिमेंट, यहां पे वन मोल ऑफ एलिमेंट लिखने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है एलिमेंट की जगह, चाहे आप कोई सा भी एलिमेंट डाल दो, वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर होगी? वो होगी 6.022 × 10⁻²³ क्या? एटम। एटम ऑफ व्हाट? मान लो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम हो गया, क्लोरीन है तो क्लोरीन एटम हो गया, वो होगा। वही अगर मैं मॉलिक्यूल के टर्म में लिखूं तो वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल, चलो मॉलिक्यूल छोड़ो, ये थोड़ा गलत सा लग रहा है मेरे को, इसको छोड़ो। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं कंपाउंड। कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड को अगर मुझे दिखाना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 6.022 × 10⁻²³ क्या? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। क्लियर है आपको अब कि हमें कैसे मोल को रिप्रेजेंट करना है? क्वेश्चन में ऐसा आएगा भी नहीं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना, तो वो अब आपको पता चल गया है। क्लियर है? अब मैं आपको मोल के फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूँ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन उन्हीं के बेस पे बनता है। इसके बेस पे इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन उन्हीं के बेस पे बनेगा, लेकिन ये बिल्कुल बेस था तो आपको बताना जरूरी था। देखो, अगर आपको किसी का मास दिया हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड और एलिमेंट का मास दिया, तो आप कैसे उसका मोल निकालोगे? तो मोल का फॉर्मूला बनता है वहां पे गिवन मास, जो कि किसमें होगा? ग्राम में होगा, अपॉन में मोलर मास और एटॉमिक मास। तो मोलर मास को एम लिख दे रहा हूँ और एटॉमिक मास को मोलर मास को एमएम लिख दे रहा हूँ, एटॉमिक मास को एम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये मोलर मास हो गया एमएम एंड एटॉमिक मास एम, ये आपको गिवन होगा ग्राम में। ठीक है, अब देखो इतना तो दिमाग आप खुद लगा सकते हो ना कि अब आपको मोल निकालना है, यानी कि दो चीजें आपको गिवन होनी चाहिए तभी आप एक चीज निकाल पाओ। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको गिवन मास दिया हो तो आप मोलर मास आपको पता होगा तो मोल निकाल लोगे, मोल दिया हो तो हो सकता है आप गिवन मास पूछा जाए आपसे या मोलर मास पूछा जाए उसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो मोलर मास तो ये आपको लर्न होना चाहिए, एलिमेंट का मोलर मास आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, कार्बन का कितना, हाइड्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना, ये आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल और मैं कहूं एंटिटी गिवेन हो, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल और एंटिटी गिवेन हो तब क्या करोगे? तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है मोल का, वो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल और एंटिटी
ठीक है, अपॉन में क्या होगा एन ए, अपॉन में क्या होगा एन ए होगा। अब यहाँ पे पार्टिकल और एंटिटी से हमारा मतलब क्या है, वो है वो होंगे एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो आपको कई जगह एटम लिखा मिलेगा, कई जगह मॉलिक्यूल मिला मिलेगा, तो कई जगह आयन भी मिला हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा लिखा होगा इवन नंबर ऑफ एटम वगैरह वगैरह, आप सीधा कर लोगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले इसके हो गए। अब मैं आपको इसका एक तीसरा फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तीसरा फॉर्मूला तब बनेगा, तीसरे फॉर्मूला तब बनेगा जब आपको क्या गिवन हो। देखो यहाँ पहले मास गिवन था तो आपने निकाल लिया, आपको नंबर ऑफ एंटिटीज गिवन थी तो आपने निकाल लिया, अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो तो। ठीक है, वॉल्यूम से रिलेटेड पहले मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ, आपने ये चीजें सुनी होंगी, नहीं सुनी तो आप सुन लो। एसटीपी का मतलब क्या होता है, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एस का मतलब स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है एसटीपी में वो होता है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर होता है 1 atm। ठीक है, वहीं अगर हम एनटीपी की बात करें तो एन फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 1 atm। अब मेरे डीएम में आके मत बोलना कि सर 20 डिग्री नहीं है, अरे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है तो इतना दिल पे मत लेना। ठीक है, इसका यूज भी नहीं है हमें अभी। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो तो ऐसे दिल पे मत लेना, हाँ बता देना कि सर यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, बाकी एक होता है एसएटीपी, यहाँ पे एसटीपी तो आपको पता ही है, एसए का मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर होता है 1 atm। ठीक है, प्रेशर सबका सेम है, बस यहाँ पे टेम्परेचर सबका अलग है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आपको एसटीपी लिखा मिले क्वेश्चन में, एनटीपी लिखा मिले या एसटीपी लिखा मिले, वॉल्यूम जो आपको लेना होगा वो होगा 22.4 लीटर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे, जरा इसे मिटा दूं पहले। ठीक है, इसका फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूले में आपको वॉल्यूम जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वही लेना है और कुछ नहीं लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। तो यहाँ पे मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम जो कि होगा लीटर में, नहीं होगा तो कन्वर्ट करना, एंड 22.4 ये क्या है, ये भी लीटर है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम है लीटर में, 22.4 लेके चलना है। आपको चाहे एसटीपी लिखा मिले, एनटीपी लिखा मिले या एसएटीपी लिखा मिले, वॉल्यूम कितना लेना है, 22.4 लेना है। क्लियर है, तो ये मैंने आपको वॉल्यूम का बता दिया है। फोर्थ फॉर्मूला आपको मिलेगा जो गैस इक्वेशन से मिलेगा, कौन सी गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन आपने अभी पढ़ी नहीं होगी, अगर पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पढ़ी है तो मैं बता दे रहा हूँ, वो होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल, तो एन से आपको मिल जाएगा पी वी अपॉन आर टी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है आपको, जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में होगा, जो आपका आर होगा, आर भी एक कॉन्स्टेंट है, वो होगा एल एटीएम में होगा। ठीक है, लीटर एटीएम में होगा, वॉल्यूम आपका लीटर में होगा, एंड प्रेशर आपका किस में होगा, प्रेशर एटीएम में होगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में आपको प्रेशर हो सकता है एटीएम में ना दे तो एमएमएचजी में दे, जैसे कि 1 atm किसके बराबर होता है, 760 mmHg के बराबर होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एमएमएचजी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, मरकरी की एक कैपिलरी ली जाती है एंड उसमें मार्किंग कर दी हमने, अब क्या होता है 1 atm पे ना मरकरी ना 760 mm तक चढ़ जाती है, तो हम 1 atm को उसके इक्वल भी लेके चलते हैं। बस इतना सा बता दिया, बाकी डिटेल में फिर कभी डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, जब स्टोरी वगैरह मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा हिस्ट्री बताऊंगा इन टॉपिक से रिलेटेड, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल के चार फॉर्मूले क्या है। अब जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको वैसे एक दो बता ही दिए थे, तो जरा ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको मोल्स बताने हैं, आपको ये 27 ग्राम एल दे दिया तो सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट है जो वो है 22.2 ग्राम CO2, आपको मोल निकालना है एंड आपको क्या गिवन है, 2.2 ग्राम वेट गिवन है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का 12 होता है एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन है तो 32 हो जाएगा, तो टोटल मोलर मास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, तो 44, तो बस डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, या आपकी सहूलियत के लिए इसे अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो आपको मोल निकालने हैं, तो देखो मैंने जितने आपको फॉर्मूला बताया उसी के बेस पे आपका आ जाएगा, ये मॉलिक्यूल दे दिए ना, तो मोल का फॉर्मूला क्या था आपका, गिवन नंबर ऑफ एंटिटी यानी कि जो भी दे रखा है एटम मॉलिक्यूल वगैरह, तो यहाँ पे ये दे रखा है, लिखेंगे 3.01 × 10^22 अपॉन में Na, और मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 3.01 × 10^23 22 है ना, तो 22 अपॉन में Na क्या 6.022,
इंटू 10^23। तो इसे थोड़ा गौर से देखो, ये लगभग इसका डबल नहीं है, तो इसको मैं टू से देखो, थोड़ा ना अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाने बैठ जाना कि बिल्कुल ही ज्यादा डीप कैलकुलेशन में चले जाओगे, एग्जाम में आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ये वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 22 है, तो ऊपर जाएगा -1, तो 10^-1/2 हो जाएगा ये, यानी कि ये भी आपका आंसर वही पड़ जाएगा, ये कुछ 1/20 ही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको करके बता दिया, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर। क्वेश्चन नंबर टू मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक CO2 का सैंपल दे रखा है जिसका जिसमें वेट है CO2 का 132 ग्राम दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, पहले मोल निकालने हैं CO2 के, फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम बताने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, कार्बन देखो जब भी एटम की बात आए ना तो ध्यान रखना आपको एटोमिसिटी देखनी होती है, जैसे कि CO2 में कार्बन की एटोमिसिटी होगी 1, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी होगी यहाँ पे 2 होगी, तो उससे भी मल्टीप्लाई करना होता है, इतनी आपको हिंट दे दी मैंने। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको 300 mg CO2 दे रखा है जिसमें से 10^20 जो है मॉलिक्यूल हटा दिए, आपको ऑक्सीजन का वेट दे दिया उसमें से इतने मॉलिक्यूल हटा दिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो पहले तो आपको वेट दे रखा है, तो मोल निकालोगे, मोल से आप क्या करोगे, मोल से आप ये करोगे कि आप मॉलिक्यूल निकालोगे, मॉलिक्यूल आपको मिल गए, तो फिर वो जो मॉलिक्यूल आएंगे उसमें से ये माइनस कर दोगे तो आपके मॉलिक्यूल जितने बचे वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एसटीपी कंडीशन में आपको वॉल्यूम दे दिया O3 का 44.8 लीटर, तो आपको पूछा है उसका वेट एंड नंबर ऑफ एटम, बहुत आसान है। ठीक है, सो बच्चों आज की शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो में, धन्यवाद।